ऐसा लगता है कि साल 2023 का एंडिंग एक बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैश के साथ होने वाला है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई एम श्योर आप सभी अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। अगस्त 2023 में बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की गदर 2 और अक्षय कुमार स्टार OMG 2 के साथ देखने को मिली थी। अब इन दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस क्लैश की बात सामने आई थी तो इसे एक बड़े तूफान के रूप में देखा जा रहा था। हुआ भी यही, गदर 2 की आंधी में OMG 2 ने टिके रहने की कोशिश तो की पर काफी नुकसान उठाया। अब भले ही गदर 2 की आंधी थम गई हो लेकिन बॉक्स ऑफिस पर क्लैश का तूफान अपना फन उठा चुका है। जी हाँ, आने वाले कुछ महीनों के अंदर बॉक्स ऑफिस ऐसे क्लैश की आंधी देखने को मिलेगी जिसमें कौन उड़ेगा और कौन जमा रहेगा कहना मुश्किल है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2023 के इन बचे 3 महीनों में कौन कौन सी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आपस में भिड़ने वाली है, इस बॉक्स ऑफिस क्लैश में मुनाफा कितना होगा और किसका होगा नुकसान ये तो बता पाना मुश्किल है, पर इतना जरूर है कि नुकसान काफी होगा। लेकिन जिस तरह से मेकर्स ने अपनी फिल्मों की रिलीज डेट अनाउंस की है उससे लग रहा है कि वो इस क्लैश या फिर यू कहे कि नुकसान को झेलने के लिए तैयार है। इसी साल रणवीर कपूर की एनिमल से लेकर शाहरुख खान की डंकी, प्रभास की सलार और सलमान खान की टाइगर 3 रिलीज हो रही है। जो जो फिल्में बॉक्स ऑफिस भिड़ने के लिए तैयार है। सबसे पहले बात करते हैं 2023 के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैश की, यानी शाहरुख खान की डंकी और प्रभास की सलार की। इस साल पठान और जवान की बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद शाहरुख खान डंकी के साथ आए हैं। राजकुमार हिरानी की निर्देशित इस फिल्म का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। क्यों, आप भी कर रहे थे ना? पहली बार है जब शाहरुख खान राजकुमार हिरानी किसी फिल्म में साथ काम कर रहे हैं। डंकी इस साल 22 दिसंबर को रिलीज हो रही है और उसी दिन प्रभास की सलार भी। हालांकि ऐसा कहा जा रहा था कि सलार को पोस्टपोन कर दिया गया है लेकिन मेकर्स ने इस बात की पुष्टि अभी नहीं की है। 22 दिसंबर को सलार रिलीज हो रही है और ये डंकी से टकराने वाली है। देखते हैं कि इस भिड़ंत में किसका नफा होगा और किसका नुकसान। एक और क्लैश जिसकी इस बार सबसे ज्यादा चर्चा है वो है रणवीर कपूर स्टार एनिमल और विक्की कौशल की सैम बहादुर की। पहले एनिमल 11 अगस्त को रिलीज होने वाली थी लेकिन जब ये बॉक्स ऑफिस पर गदर 2 और OMG 2 के साथ टकरा रही थी ऐसे में मेकर्स ने इसकी रिलीज पोस्टपोन कर दी है और 1 दिसंबर को रिलीज करने का फैसला किया। पर अब एनिमल की रिलीज विक्की कौशल स्टार सैम बहादुर से टकरा रही है। ये फिल्म भी उसी दिन थिएटर में दस्तक देगी। अब बात कर लेते हैं अजय देवगन की सिंघम अगेन की। अगस्त 2024 में अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 के साथ भिड़ने के लिए एकदम तैयार है। रोहित शेट्टी ने फिल्म की टीम के साथ सिंघम अगेन की शूटिंग शुरू कर दी है और रिलीज डेट भी अनाउंस की जा चुकी है। ये 15 अगस्त 2024 में रिलीज होगी। उसी दिन पुष्पा 2 के भी रिलीज होने की बात सामने आ रही है। तो आज के इस रिपोर्ट में बस इतना ही और इसी तरह देखते रहिए हिंदी खबर और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।